संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 35 के निवासियों ने किया बिजली घर का घेराव, ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की। चार माह से हो रहे परेशान। शिवपुरी की वार्ड नंबर 35 संजय कॉलोनी में पिछले चार महीने से ट्रांसफार्मर से बिजली को लेकर कॉलोनी वासी परेशान हैं। आज संजय कॉलोनी के निवासियों ने बिजली घर का घेराव करते हुए डीपी बदलवाने की मांग की है। चाबी घर पहुंचे समस्त कॉलोनी वासियों ने बताया कि पिछले एक साल से डीपी खराब है और लाइट आती जाती रहती है, लेकिन चार माह से तो ऐसी हालत हो गई है कि डीपी से लाइट आने में काफी समस्या आती है और डीपी खराब होने से 2 मीटर के एरिया में करंट की वजह से 3 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। 4 माह से लाइट नहीं आ रही है, इसकी शिकायत विधायक एवं नगरपालिका अध्यक्ष को भी की है और पार्षद को भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। समस्त कॉलोनी वासियों ने डीपी जल्द बदलवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुमित चौहान। आप आज जो चाबी घर का घेराव कर रहे हो, किस संबंध में घेराव कर रहे हो चाबी घर? ये लाइट की समस्या के लिए कर रहे हैं। कब से है ये लाइट की समस्या? 4 महीने से। कितने क्या परिवार हैं जो इस लाइट से परेशान है? इस में कम से कम 200 परिवार से ऊपर परेशानी चल रही है। किस जगह का मामला है ये? वार्ड नंबर 35 संजय कॉलोनी। क्या कुछ हुआ वहाँ लाइट को लेकर? उसकी डीपी पूरी खराब डली हुई है, पूरी खुला है। उसके आसपास के 2 मीटर के एरिया में करंट आ रहा है, वहाँ पर 4 मवेशियों की मृत्यु भी हो चुकी है। और इसकी शिकायत आपने पहले कभी चाबी घर की है? चाबी घर में की है, जिला अध्यक्ष विधायक की भी की है, नगर पालिका पार्षद से भी की अपने, क्या नाम है पार्षद का? पार्षद नाम मट्टू कटी। पार्षद का क्या कहना है इस मामले में? पार्षद का कहना है सुनवाई नहीं करता वो, तो की यहाँ हो जाएगी बोल के छोड़ देते हैं। अच्छा, तो चाबी घर जब आप आए इससे पहले जिला विधायक की यहाँ भी की, जिला विधायक जी ने क्या कम से कम 6 बार चक्कर लगा दिए, कुछ सुनवाई नहीं हुई अभी तक। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, उनके लड़के मिलते हैं वो बोलते हैं कि 1-2 दिन में करवा देते हैं। 3 बार आवेदन वहाँ भी दे चुके हैं हम, पर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो इससे पहले कभी और आवेदन दिया बिजली विभाग में? 181 हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर चुके हम, 20,000 शिकायत उस पर डली हुई, चाबी घर में भी शिकायत डली हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अभी क्या चाह रहे हो आप लोग? अभी चाह रहे हैं जल्द से जल्द प्रक्रिया की जाए अभी इस कोर्ट पर हाल की हाल, क्योंकि अब समय का बांध टूट चुका है। क्या नाम है आपका? कमलेश। आप आज बिजली विभाग आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? हमारे यहाँ लाइट नहीं आई 4 महीना से। क्या खराबी है लाइट की? पूरी डीपी खराबी है और डीपी में बेर बेर में तार मसकते हैं, डंडा दे रहे और डीपी आलू में उड़ जाती है। अच्छा, कब से चल रही है ये समस्या? ये समस्या चल रही है पूरी साल भर से चल रही है और 4 महीना से तो ज्यादा ही समस्या चल रही है। इसकी शिकायत आपने पहले कभी की है बिजली विभाग से? करी। फिर उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने वो दे गए थे कोई आवेदन में कोई दे गए थे बच्चे हमारे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनी बार आवेदन दे चुके हो? 3-4 बार आ गए। अच्छा, अभी क्या समस्या आ रही है आपको? अभी जो आ रही है खत्म की लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी, और घर में खीरा घुस रहे हैं अंधेरे में बच्चे। किस जगह का मामला है ये? किस जगह का मामला है? संजय कॉलोनी। अच्छा, कब से परेशान हो आप सभी? 4 महीना से तो ज्यादा ही परेशान है। तो आपने अभी बताया कि हमने विधायक जी को शिकायत की थी, उनका क्या कहना है इस मामले में? उनने बोला था कि उनमें डीपी में ताला डाल दो और नई डीपी लगाओ, और हम कुर्सी पे बैठे का मतलब से बैठे जी, कुर्सी कोई मतलब की नहीं है जनता के लिए, डीपी दरा। और डीपी नहीं बदली गई अभी? आज 4 दिन हो गए अभी कोई सुनवाई नहीं। अभी क्या चाह रहे हो आप? अभी हम जो चाह रहे हैं कि डीपी में ताला डाल जाए और लाइट हमारी टेम टेबल से आए, बस और कुछ नहीं चाह रहे हैं।